हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माई टेक हिंदी हेल्प चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बहुत ही बेस्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ। जैसे आप लोग कॉल लगाते हैं तो फ्रेंड, यहाँ पे एक सेकेंड का ऑप्शन जो है, ये कॉल रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है वो शो होने लगता है, और यहाँ पे जो है वो रिकॉर्डिंग का जो नोटिफिकेशन वो दिखने लगता है कि कॉल रिकॉर्ड हो रहा है। और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर का कमेंट है कि सर एक ऐसा ट्रिक बताइए जिससे कि ये ऑप्शन ही हट जाए, मैं कॉल लगाऊं तो रिकॉर्डिंग हो मेरे मोबाइल के अंदर और ये ऑप्शन जो है यहाँ पे कुछ शो ना हो। तो उसके लिए क्या करना होगा, आज के इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं एकदम से बताऊंगा ये ऑप्शन कैसे हटाया जाता है, और आप भी दोबारा जो है इस ऑप्शन को हटाने में पूरी तरह से सक्षम होंगे। देखिए फ्रेंड, करना क्या होगा, कुछ स्टेप फॉलो करना होगा जो मैं बता रहा हूँ। जैसा सेम चीज़ करेंगे तो ये चीज़ आपको भी नहीं देखने को मिलेगा। जैसे आप अपने डायलर में जाते हैं और कॉल करते हैं तो यहाँ देखिए, ऑप्शन मैंने अभी दिखाया आपको वो बार बार शो होने लगता है कि रिकॉर्ड ले रहा है। अब मुझे उसको हटाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए मुझे एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी जिससे कि वो जो है ऑप्शन दिखेगा ही नहीं मुझे कॉल रिकॉर्ड वाली। ठीक है, जैसे हर मोबाइल में, पहले वाले मोबाइल में ये वाली डायलर पहले से आता था और अभी गूगल डायलर आ रहा है। ठीक है, तो मैं ओल्ड फ़ोन के बारे में बता रहा हूँ, उसमें कैसे हटाना है। यहाँ पर जाएंगे और इस ऑप्शन के बदले जो है हमको ट्रू कॉलर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जब जाके ये ऑप्शन बंद होगा। नहीं तो अगर इसी डायलर से आप कॉल लगाएंगे तो वो आप नहीं हटा सकते। ट्रू कॉलर एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहाँ से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग करना होगा, जिसके बाद से आपको वो कॉल रिकॉर्ड का जो सेकेंड चलता हुआ ऑप्शन आता है वो बिल्कुल से हाइड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। करना क्या होगा, देखिए सिंपल, इस एप्लीकेशन को जो है आप क्या करेंगे, सबसे पहले डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे कॉल लगाइए। कॉल लगाते ही रिकॉर्डिंग होता हुआ ऑप्शन नज़र आ रहा है इसमें। अब इसको बंद कैसे करना है, इसके थ्री लाइन पे जाना है। सबसे पहले तो इस एप्लीकेशन को आप जब डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, उसके बाद इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपसे आपका नंबर मांगा जाएगा, तो आप अपना नंबर डाल के इस डायलर में अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे थ्री लाइन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके चले जाना है यहाँ, और यहाँ जाने के बाद आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा सबसे नीचे में। सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आने के बाद जो है कॉलर आईडी का एक ऑप्शन मिलता है, इसमें जाएंगे। इसमें दो ऑप्शन रहता है, एक क्लासिक एक फुल स्क्रीन। अगर आप क्लासिक वर्जन पे चलाएंगे इस एप्लीकेशन को तो आपको कॉल रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है वो आएगा, और इसी को अगर आप फुल स्क्रीन पर सेट कर देते हैं, इस पर क्लिक कर देते हैं और सेट एज डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, और यहाँ पे ट्रू कॉलर के ऑप्शन पे क्लिक करके सेट एस डिफ़ॉल्ट कर दिए। ठीक है, अब क्या होगा, अब आप कॉल लगाएंगे, ठीक है, इसी डायलर से लगाना है तो ये ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा। देखिए मैं कॉल लगाता हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये ऑप्शन कहीं भी नहीं नज़र आएगा। मैंने देखा कि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है कॉल रिकॉर्डिंग वाली। ठीक है, तो अब जैसा मैं बताया सेम वैसा आप भी करेंगे तो आपको भी ये जो ऑप्शन है कॉल रिकॉर्डिंग, तो बस यही स्टेप फॉलो करना होगा जो मैं बताया। ठीक है, फुल स्क्रीन डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है वो आप ट्रू कॉलर में जाके कीजिए, आपका कॉल रिकॉर्डिंग होता भी रहेगा और वहाँ पे कोई ऑप्शन जो है रिकॉर्डिंग का शो नहीं होगा। तो आई होप कि यह वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर से करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है और सारा वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलता है आपसे किसी दूसरे वीडियो के साथ, चलिए तब तक के लिए थैंक यू, बहुत थैंक्स।